नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं नामिका। देखिए, आज आरजेडी की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है और इसकी तैयारियां जो हैं काफी ज्यादा भव्य हो चुकी हैं। पहले भी हमने आपको बताया था कि लगभग 15,000 लोगों को निमंत्रण भेजा गया है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी निमंत्रण भेजा गया है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस इफ्तार पार्टी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि एक तरफ जहां लालू परिवार आरजेडी पूरी तरीके से इस इफ्तार पार्टी के आयोजन में जुटी हुई है, तमाम तरह की तैयारियां हो रही हैं क्योंकि 15,000 लोग आ रहे हैं, तो सबके आने की अच्छी तरीके से व्यवस्था हो, अच्छा खान पान हो, तमाम तरह की जो तैयारी है वो रावड़ी देवी के आवास पर, द सर्कुलर रोड पर जो आवास है वहां पर की जा रही है। और रावड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, इन लोगों ने मिल करके इस भव्य आयोजन को संपन्न किया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एक तरफ लालू परिवार इस इफ्तार पार्टी के आयोजन में लगा है तो दूसरी तरफ एक दूसरा खेमा जो है, यानी कि लालू परिवार का जो विरोधी खेमा है, जो आरजेडी के विरोधी है, वो लोग किसी और काम को अंजाम दिए हैं। जी हाँ, अंजाम दे चुके हैं। और रातों रात आपको बता दें कि पोस्टर्स लग गए हैं पूरे पटना में। पटना में एक नया पोस्टर देखने को मिल रहा है जो रातों रात लगाया गया है, यानी कि लालू परिवार के विरोधियों ने इस काम को अंजाम दिया है। जो पोस्टर लगाए गए हैं उसको आप देखिए किस तरीके से पोस्टर लगाया गया है। इफ्तार पार्टी के ठीक पहले विरोधियों ने जो हमला बोला है वो पोस्टर के जरिए बोला है और इस पोस्टर के जरिए तेजस्वी यादव की तरफ से किए जा रहे A to Z समीकरण की हवा निकालने की कोशिश की गई है, जिस A to Z समीकरण को लेकर के तेजस्वी यादव हर जगह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं कि अब जो है वो आरजेडी का जो समीकरण है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। पहले सबको पता है कि MY समीकरण लेकर के आरजेडी चलती थी, लेकिन अब तेजस्वी यादव के आने के बाद से तेजस्वी यादव ने इसको A to Z समीकरण के रूप में बदल दिया है और कहा है कि ये पार्टी सबको साथ लेकर के चलेगी। लेकिन ये जो पोस्टर है वो ये दिखा रहा है कि कैसे A to Z समीकरण की हवा निकाली जा रही है और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा पलटवार किया गया है लालू परिवार के ऊपर। इस पोस्टर में लालू यादव को, लालू यादव की तस्वीर है, उनके साथ में राबड़ी देवी हैं, तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप यादव हैं, बेटी मीसा भारती हैं, ये सभी लोग कुर्सी पर बैठे दिखाए गए हैं। और लालू यादव के लिए लिखा गया है महाराज, तो राबड़ी देवी के लिए राजमाता, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को राजकुमार बोला गया है, तो वही मीसा भारती को राज पुत्री बोला गया है। इस पोस्टर में कुछ कुछ लिखा हुआ भी है। इस पोस्टर में A to Z फैमिली पार्टी का कैप्शन भी दिया गया है। पोस्टर में आरजेडी के कई वरिष्ठ नेताओं की भी तस्वीरें जो हाथ जोड़े खड़े हैं, यानी कि इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हाथ जोड़ करके काफी ऐसे बड़े दिग्गज नेता हैं जो आरजेडी के सामने नतमस्तक रहते हैं। दूसरी तरफ इसमें लिखा है कि इनका उसूल है, जब तक काम है तब तक नाम है, बाकी दूर से ही सलाम है। दूसरी तरफ एक और लाइन्स लिखी है नीचे में, हे स्वार्थ तेरा शुक्रिया, एक तू ही है जिसने लोगों को आपस में जोड़ के रखा है। अब देखिए, तेज प्रताप यादव ने अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं उनको भी निमंत्रण भेजा है, ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए अमित शाह को भी बुलाया है, निमंत्रण भेजा है ताकि वो आज के इफ्तार पार्टी में आए और इसको अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से साथ में मिलकर, क्योंकि इस तरह का जो आयोजन होता है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ भाईचारा, इन तमाम चीज़ों को, प्यार को दिखाता है। ट्वीट पहले ही किया था तेज प्रताप यादव ने। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करके लिखा था कि रमजान के मुबारक मौके पर माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का पाटलिपुत्र की पावन धरती पर 10 सर्कुलर रोड पर आयोजित दावते इफ्तार में हार्दिक स्वागत है। तुम राम कहो वो रहीम कहें, दोनों की गरज अल्लाह से है, तुम दीन कहो वो धर्म कहें, मंशा तो उसी की राह से है। ये निमंत्रण भेजा अमित शाह को और दूसरी तरफ विरोधियों ने क्या किया ये आप भी देखिए। हालांकि ये पोस्टर किसके द्वारा लगाया गया है, क्यों लगाया गया है, ये अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन कहीं ना कहीं अब आरजेडी पलटवार करने के लिए जरूर तैयार रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।